उसे आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया। दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 1:17-23 आयत। आए भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे ताकि तुम उसको पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम समझ लो कि इसके बुलावे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है, क्या ही दौलत है, और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है। उसकी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया और आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और सियादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी लिया जाता है, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया और उसे उस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया और उस बदन का और भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो।